जिले के सिहावल तहसील के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय बहलिया के लोक शिक्षण संचालनालय में मध्य प्रदेश के द्वारा दिए गए सूचना का किया गया अवहेलना, साथ ही नहीं पाई गई गांधी जी की प्रतिमा, प्रधानाध्यापिका सुनैना तिवारी की अनुपस्थिति रहने के कारण बच्चे एवं अन्य शिक्षक विद्यालय प्रांगण से वापस अपने अपने घर को हुए मजबूर, नहीं मनाया गया किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम। बलिया, आज 2 अक्टूबर है, जिस तरह से शासन आदेशानुसार आप गांधी जयंती को किस तरह से मना रहे हैं? हम लोग सभी बच्चे सहित एकत्रित होकर समय से पहले प्रार्थना, फिर इसके बाद कुछ गांधी जी के बारे में जो सब बच्चों को और शासन की तरफ से आदेशित हुआ है कि पंचायत में अगर कहीं टीवी है तो उन पर बच्चों को दिखाया जाए, लेकिन टीवी फिल्म की व्यवस्था किस तरह से कर रहे हैं? है नहीं, बगल में पंचायत में है, बिगड़ी हुई है, इसलिए फिल्म दिखाने की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है? अच्छा, आपके प्रधानाध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कौन है? श्रीमती सुनैना तिवारी जी। कहाँ इस समय वो ये शाला में उपस्थित है? कल प्रशिक्षण में गए थे। अच्छा। तो आज सीधे से आए हैं, अभी नहीं पहुँचा। और गांधी जी का जयंती कार्यक्रम, प्लास्टिक कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो रहा है, वो उसको आप किस तरह से, कहाँ, किस दृश्य से मना रहे हैं आप? वो तो गांधी जी के तस्वीर की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए गांधी जी तस्वीर की व्यवस्था नहीं हुई है और अब तस्वीर ना होने के वजह से असमर्थ है। किस शाला में पदस्थ है? सर, माध्यमिक शाला बलिया, PS में। माध्यमिक शाला बलिया। यहाँ आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में किस तरह से आप गांधी जयंती मना रहे हैं? सर, हम लोग आए सुबह में 10:30 प्रार्थना के बाद, इसके बारे में बच्चों को इकट्ठा करके उनके बारे में थोड़ा बचा सर बताएगा। बाकी मध्याह्न भोजन के माध्यम से बच्चों को मध्याह्न भोजन का प्रसाद या गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, गाने या प्लास्टिक शुभारंभ के लिए, उसके लिए कोई व्यवस्था किस तरह से सर? माध्यमिक माने भोजन चल रहा, बन रहा है। अच्छा सर, बच्चों को खिलाया जाएगा 12 बजे तक। ये बच्चों को टीवी की व्यवस्था नहीं होगी? सर, व्यवस्था नहीं है, जो कार्यालय में है पंचायत भवन में भी कर चुके हैं। वो आपके पास व्यवस्था नहीं? आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? राम मनोहर पटेल।